If alpha, comma, beta are the zeros of the polynomial, fx is equals to x square minus p into x plus 1 minus c, such that alpha plus 1 into beta plus 1 is 0, then we have to find the value of c, and we have been provided with 4 options. In me se koi ek option sahi hai? Pehle to main is polynomial ko zara copy karke ise standard form mein likh leta hun. X square minus p into x plus 1 minus c. इस ब्रैकेट को ज़रा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स को मल्टीप्लाई करेगा तो हमें माइनस पी एक्स मिलेगा. देन माइनस पी वन को मल्टीप्लाई करेगा तो आपको माइनस पी मिलेगा, एंड माइनस सी तो ऑलरेडी बाहर था. अब ज़रा इस एक्सप्रेशन को देखकर आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लो. तो ए की वैल्यू निकालता हूँ मैं, बी की वैल्यू निकालता हूँ मैं, सी की वैल्यू निकालता हूँ. किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में ए की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट. तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो मतलब वन है ये. एंड बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट, तो एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस पी. जो एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है वही उसका कोएफिशिएंट है, मतलब बी की वैल्यू हो गई माइनस पी. एंड कॉन्स्टेंट टर्म, ऐसा टर्म जहाँ पर एक्स या एक्स स्क्वायर नहीं यूज़ हुआ है, जहाँ वेरिएबल नहीं यूज़ हुआ है, वो पूरा कॉन्स्टेंट टर्म है. मतलब ये पूरा सी की वैल्यू में माना जाएगा. तो सी की वैल्यू है माइनस पी माइनस सी. ओके, हो सकता है कन्फ्यूजन ये होगा सर ये भी सी है और ये भी सी है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं ना, इस कॉन्स्टेंट टर्म को आप कैपिटल सी मान लीजिएगा, बस प्रॉब्लम सॉल्व. वैसे कोई बड़ा इश्यू नहीं है, माइनस स्मॉल सी से भी कर सकते हैं आप. अब आगे बढ़ते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तो जो ज़ीरोज़ का सम होता है ये रहता है माइनस बी अपॉन ए. याद कर लें अगर आपको याद नहीं है, ज़ीरोज़ का सम क्वाड्रेटिक में माइनस बी अपॉन ए से मिलता है, एंड ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट आई मीन अल्फा इंटू बीटा आपको मिलेगा सी अपॉन ए से. तो अल्फा और बीटा उन्होंने बोला था ज़ीरोज़ हैं, उनका सम फाइंड करना है तो माइनस बी अपॉन ए कर दो आप, एंड इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है तो आप सी अपॉन ए कर दो. ओके, कॉपी करते हैं अल्फा प्लस बीटा, माइनस की जगह माइनस कॉपी करते हैं. बी की वैल्यू कितनी है, माइनस बी है. ए की वैल्यू वन है, तो मैं बी की जगह लिखूंगा माइनस बी एंड ए की जगह लिखूंगा वन. अब माइनस एंड माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस, तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई पी. ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, आई होप इट इज क्लियर. फिर आते हैं अल्फा इंटू बीटा की तरफ. अल्फा इंटू बीटा मिलेगा सी अपॉन ए से. सी की वैल्यू है माइनस पी माइनस सी, सो माइनस पी माइनस सी, एंड ए की वैल्यू वन थी, तो इस तरह से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई माइनस पी माइनस सी. ये क्लियर है ना. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं इन्होंने हमें दिया क्या हुआ है. इन्होंने बोला है कि अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन की वैल्यू ज़ीरो है. मैं इसे कॉपी करता हूँ. अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन को मैं ज़ीरो लिख लेता हूँ. अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन की वैल्यू ज़ीरो है. इसे यूज़ करूँगा और शायद मुझे सी मिल जाएगा. तो पहले मैं इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेगा बीटा तो अल्फ़ा इंटू बीटा मिलेगा. फिर अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेगा वन को तो आपको अल्फ़ा मिलेगा. फिर वन मल्टीप्लाई करेगा बीटा को तो आपको बीटा मिलेगा. देन वन मल्टीप्लाई करेगा इस वन को तो आपको वन मिल जाएगा, इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो है. अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है. आप देखें अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस पी माइनस सी है, माइनस पी माइनस सी है. एंड अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपको मालूम है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को रिप्लेस करके आप लिख दें, ये पी लिख दें, पी लिख दीजिए, पी लिख दीजिए, पी लिख दीजिए. एंड प्लस वन कॉपी कर लीजिए इज इक्वल्स टू ज़ीरो. देख लीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह मैंने लिखा माइनस पी माइनस सी, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैंने लिखा पी, एंड वन की जगह मैंने लिखा वन. आई होप यू आर नॉट गेटिंग कन्फ्यूज. अब आप देखें माइनस पी और प्लस पी तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस पी और ये प्लस पी है, ज़ीरो बन जाएगा. अभी क्या बचेगा, माइनस सी प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो आप सी को भेज दो राइट साइड में, तो ये जब सी जाएगा राइट साइड में तो ये प्लस सी हो जाएगा. तो इस तरह से सी की वैल्यू मिल गई वन. देखते हैं कोई ऑप्शन है वन. यस, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप इट इज़ क्लियर. फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, मुझसे शिकायत है, कॉमेंट पर लिख दीजिए. ओके, थैंक यू.